गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जी, मैं अभी यहाँ पे नए वाले किचन के साथ हॉल वगैरह सारी जगह पे झाड़ू मार रही हूँ। वैसे तो आजकल हमारे इस किचन में काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई जो है वो करना ज़रूरी है। कूड़ा कबाड़ जो है ना वो फैल ही जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सारे में घूमते रहते हैं इधर उधर। तो उस करके यहाँ पे भी मैं झाड़ू मार के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और अभी मुझे पुराने किचन जो है वहाँ पे आग भी जलानी है, चूल्हे की लिपाई भी करनी है। तो चलिए चलते हैं अपनी पुरानी वही पुरानी किचन में, और यहाँ पर इसकी लिपाई जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो गोबर मिट्टी से इसकी लिपाई जो है वो हो रही है। आजकल ना फाइनली पुरानी से किचन में आ गए ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है सच्ची में। मतलब बोलते ना कि नए 9 दिन और पुराने 100 दिन, सच्ची में। तो अभी पानी जो है ना, वैसे अब आ गया है, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ आज ही पानी आया है हमारे। और इससे पीछे जो है पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, तो नए वाले किचन में जितने भी नलके थे सारे बंद थे। और उसमें खाना तो हम बना भी लेते, लेकिन जो चूल्हा है ना वो नहीं जलना था फिर। और हमारे अभी ठंड ही है यहाँ पे, चूल्हे के तो काम ही नहीं हो सकता है भाई, और चूल्हा जलाना तो बहुत ज़रूरी होता है। चूल्हा इसलिए नहीं जला सकते थे क्योंकि उसमें हमने ना पानी वाला, जिसमें पानी की टैंकी होती है, वो चूल्हा फिट किया हुआ है। तो उसमें पानी भी साथ में गर्म हो जाता है, चाय और आग भी जलती रहती है, खाना भी बनता रहता है। तो ये दिक्कत थी कि कहीं वो चूल्हा ख़राब ना हो जाए, इस करके इसलिए हमने उसमें आग नहीं जलाई। तो हम फिर से पुराने किचन में आ गए थे। ये मैं अपने पुराने व्लॉग में आप सभी को बता चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चूल्हे की लिपाई जो है वो कर दी है, और अभी मैं यहाँ पे बर्तन जो है वो धोने के लिए आ गई हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब बाहर यहाँ पे खुले में बर्तन धोते हुए। अभी ना सिंक में मतलब थोड़ा सा वो लगता था, जैसे पहले खुले में अच्छे से धोने की आदत थी ना, तो सिंक में थोड़ा ऐसा लगता था, बोलते ना तंग तंग सा लगता था, कंजेस्टेड सा हो रहा था थोड़ा। और मतलब यहाँ पे बाहर बर्तन धो रही, वैसे तो पानी है नहीं ना, ढोके करना पड़ रहा है। जिस चीज़ की हमें आदत होती है ना, वो चीज़ हमें ज़्यादा बेटर लगती है। कोई नई चीज़ जो होती है ना, उसका कुछ टाइम तक तो शौक होता है, लेकिन फिर बाद में हमें वही अपना जो पुराना तरीका होता है वही बेहतर लगता है। अभी हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह, और सुबह सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, आलू काट रही हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। काफ़ी टाइम से हमने ये सब्ज़ी खाई नहीं है वैसे ना। और मैं रात को ही नैना को बोल रही कि नैना स्कूल को लंच के लिए क्या बनाऊँ, तो नैना ने बोला कि मम्मा आलू बनाना। तो मैं सोचा कि चलिए आलू बना देती हूँ। और अभी आलू जो है यहाँ पर मैंने छील के काट लिए हैं, और यहाँ पर देखिए 3 प्याज जो है ना बड़े बड़े मैंने लिए हुए हैं, और इनको भी मैं यहाँ पे काट लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, ठीक ठीक सा काटना है। और आज बनाने वाली हूँ मैं सदाबहार सब्ज़ी। जब भी आपके किचन में कोई सब्ज़ी नहीं होना, तो आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चाहे आप सब्ज़ी चपाती के साथ खाएँ, चाहे आप पूरी के साथ खाएँ, ये सब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है, घर में आलू प्याज हमेशा पड़े हुए रहते हैं। तो आलू प्याज की सदाबहार सब्ज़ी कभी इस तरह से बना के देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साबुत जीरा मेथी जो है वो डाल रही हूँ। ये जो है ना इस सब्ज़ी में बहुत ज़रूरी है डालना, इससे हमारी सब्ज़ी जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सच में। और अभी यहाँ पे जो मैंने मोटे मोटे प्याज काट के रखे हुए थे ना, वही प्याज जो है वो मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगी। वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है शुरू में डालना, लेकिन अगर डाल देंगे ना, तो जो हमारे सूखे मसाले हम इसमें डालते हैं ना, वो जल्दी से भून नहीं जाते हैं। बस प्याज भी डालेंगे हम, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसी तोड़ के डाल रही हूँ। और चूल्हे में इतनी ख़तरनाक आग जली ना, और तो अचानक से मैं भी हैरान हो गई कि इतनी अचानक से इतनी सारी आग कैसे जल गई है। देखो मैं बार बार इसको आगे कर रही थी समदा को, लेकिन भाई मतलब आग ने तो सोचा था कि भाई आज तो मैं इस तरह से जलूँगी कि वीडियो में कुछ दिखने ही नहीं दूँगी। और वे फ़ोन को ना जैसे तैसे करके एडजस्ट किया हुआ है, ट्राइपॉड जो है मेरा दूसरा भी टूट चुका है। अभी मैं सोच रही हूँ कि लूँगी, लेकिन मुझे कुछ जच नहीं रहा है क्या लूँ कैसे लूँ। और यहाँ पर मैंने धनिया मिर्ची जो है वो यहाँ पर डाल दी है। 3 चम्मच धनिया डाला, 1 चम्मच मिर्ची डाली, और 1 चम्मच हल्दी डाली है। और यहाँ पे मसाला जो है लगभग भून ही चुका है, ज़्यादा नहीं भूनना, सूखे मसाले बहुत जल्दी भून जाते हैं।
और अभी आलू जो है मैंने काट के रखे हुए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं, और सारे के सारे आलू जो है वो मैं इसमें डाल लूँगी। ये स्टील की कढ़ाई जो है ना बहुत पतली है, इसमें मतलब अगर हमें कुछ बनाना हो ना तो मतलब लगातार चलाना पड़ता है उस चीज़ को, या फिर पानी होना चाहिए, नहीं तो एकदम से तले में लग जाती है और जल जाती है। शुरू शुरू में तो काफ़ी अच्छे से हो जाता था इसमें, लेकिन अभी जो है काफ़ी मतलब इसमें थोड़ा हो चुका है पतला। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देरी हम पकने देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू जो है वो अध कच्चे मतलब अध पके हो जाए। नहना चुकी है नहा, और ये सब्जी अध पके हो गए आलू। आज है आलू प्याज की सदाबहार सब्जी। तो सुबह के टाइम इतना ज़्यादा दौड़ भाग होती है कि क्या ही बताऊँ मैं सच्ची में। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक चैन की सांस नहीं आती। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद तो घर के हज़ारों काम कर लिए भाई। गाय को पानी पिलाया, बर्तन धोए, और लस्सी वगैरह बनाने का मतलब बना तो रखा था, लेकिन फिर दोबारा से बर्तन वर्तन उसके जो धोने को होते हैं वो सारा काम कर लिया। और उसके बाद हमने धनिया लाया था खेत से, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, उसको मम्मी ने जो है वो झाड़ दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा रहता था ये साफ़ करने को, इसको मैं यहाँ पे साफ़ लगी थी करने, क्योंकि कचरा कचरा सा पड़ा हुआ था ना यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा था, और इसकी धूल जो है वो भी सारी अंदर जा रही थी। लेकिन एक अच्छा हो गया, यहाँ पे हमने ये टाइल्स लगाई है ना, तो जैसे धनिया ऐसी चीज़ें हो गई ना, धनिया मेथी, इसको हम यहाँ पे अच्छे से झाड़ सकते हैं, और इसमें ना पत्थर जाने की भी वो नहीं रहती टेंशन कि यहाँ पे कहीं पत्थर चला जाएगा इसमें। तो धनिया जो है साफ़ है बिल्कुल, इसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, क्योंकि हमने ये काट के किया हुआ है, मतलब पट के नहीं किया हुआ, जड़ समेत नहीं निकाला, काट के निकाला हुआ है, तो इसमें पत्थर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, साफ़ सुथरा है। सिर्फ इसका जो भूसा है वही हमें इसे अलग करना है। तो हम मैंने पहले इसको प्रयोणी में छाना, लेकिन ये प्रयोणी जो है ना ये भी पतली है और ये काम नहीं कर रही थी, और ये काम जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। जब मेरी शादी थी मुझे बिल्कुल नहीं आता था, शादी के बाद भी काफ़ी साल तक मतलब 4-5 साल तक तो मुझे ये काम नहीं आता था, जो ये छाज है ना इससे साफ़ करना। लेकिन समय के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और हमारे अंदर सुधार हो उसके लिए हमें नई से नई चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। तो ये मैंने सीख लिया था। अरे जल्दी आओ घड़ी, दरवाजा खोल वरना पिटाई हो जाएगी। भारत की खोज नामक किताब किसने लिखी? क्या? भारत की खोज नामक किताब किसने लिखी? मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं धैर्य को बोल रही हूँ इधर की होमवर्क करने के लिए, यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, क्योंकि इसने ना बहुत काम इसका पीछे छूटा हुआ है। तो गाइस अभी है रात का टाइम, और अभी हमारे ना यहाँ पे छुट सी बारिश हुई, और अभी भी ना बिजली जो है वो बहुत ही कड़कने लगी हुई है जोरों से। मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे बाहर, ये दोनों अंदर देखो वहाँ पे। तो सार्थक और नैना दोनों को एक ही टाइम पे पोटी आई हुई है इस टाइम, और इनकी निगरानी करने के लिए मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। अच्छा आ रही हूँ। तो दोनों को एक साथ ही लगती है, और दोनों एक दूसरे को। तो अभी इन दोनों का जला हुआ है, और अभी मैं सोची थी क्या बनाऊँ, तो मेरे ना सुबह की आलू की सब्जी भी है बची हुई थोड़ी सी, और नैना बोल रही है खेरू बनाओ, तो खेरू कल भी बनाया इनके लिए थोड़ा सा ना, और रोज़ रोज़ खेरू हो जाता है। तो किसी किसी को तो चलो अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, वैसे तो घर में सभी को ही अच्छा लगता है। और अभी मैं बनाऊंगी दलिया, मैंने गैस पे लगाया हुआ है कुकर, और जो कि मैंने ही बोला है बनाने। दलिया धैर्य का फेवरेट है, और सार्थक भी काफ़ी खुश होकर खाता है। नैना नहीं खाती दलिया, नैना को पसंद नहीं है दलिया, तो इसको मिठाई पसंद नहीं है एक्चुअली, मैं मीठा बहुत कम खाती है ये। धैर्य तू इनका ध्यान रखियो, देखो मेरे को अंदर से वो आ रही है जलने की स्मेल। ये बात नहीं है, यहाँ के पचाए नहीं जाता वो। हाँ ठीक है, अच्छा इनका ध्यान रखियो, यहाँ पे झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे कहीं। तो अभी मैं दौड़ चुकी हूँ अंदर, अरे अभी पुरानी किचन में ही हूँ। अभी आज पानी आया हमारे, थोड़ा सा पानी आया, और लेकिन पता क्या है, हमारे ऐसा सिस्टम है ना, हमने दो टंकियाँ लगाई हुई हैं, तो पहले मैं समझा जो है ये आगे कर लेती हूँ।
तो वैसे तो हमने दो टैंकी लगाई हुई है, पर एक जो है ना पहली टैंकी जो है वो जो हमारे टॉयलेट हैं उनमें को है बनी हुई, और फिर जब वो फुल हो जाती है ना तब दूसरे वाली टैंकी में को पानी जाता है किचन वाली को, तो वो अभी बड़े वाली नहीं भरी हुई थी, मतलब अभी जो ए सिंगल लाइन है ना वही चली हुई है, तो उस करके उधर वाली में पानी अभी आया ही नहीं है, तो किचन में नल के जो है सारे बंद पड़े हुए हैं, इसलिए हम यहीं पे ही हैं अभी फ़िलहाल। तो आई होप सो कि कल परसों तक फिर आए पानी तो आगे को फिर चला जाए, नहीं तो अगर नहीं आएगा तो भैया, और खड़े होके ना धुआं लग रहा है बहुत ज़्यादा, आंखें बंद हो रही हैं। और ये देखो कुकर में मैंने लगाया हुआ है ऑयल डाला हुआ, इसमें रिफाइंड ऑयल जो हम डालते हैं ना अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें दलिया डालूँगी। तो चलिए देखती हूँ, धुआँ निकलने लग गया है, अब तो पक ही गया होगा, आज जो है उसकी थोड़ी सी सिम कर देती हूँ। और चलिए ये रहा दलिया, ये देखिए दलिया को मैं डाल देती हूँ इसमें। तो बस यहाँ पे दलिया जो है वो मैंने बनाया मीठे में, और साथ ही में आलू प्याज की सब्ज़ी जो है वो सुबह की बची हुई थी और नैना ज़िद कर रही थी, तो इसके लिए थोड़ा सा खेरू भी बना लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस पूरा दिन जो है वो इस तरह से निकल जाता है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, बाय।